सिलास बंदी ग्रह के प्रभु जी उन्होंने प्रेयर और वर्शिप की और प्रभु ये बहुत वड्डा प्लैन आ बंधना तोड़न का जिन्हें भी ऑनलाइन वीवीस देख रहे प्रभु जी ऑनलाइन के वास्ते भी असं प्रेयर करते हैं परमेश्वर उन्होंने बंधन टुट जाए प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम च खुदावन मैथ्यू 18 दे 20 दे नाल तुहाडा वेलकम करदे तुहाडा स्वागत करदे प्रभु तुहाडी प्रेजेंस लई धन्यवाद तुहाडी महिमा करदे खुदावन तुहाडी महिमा आकाशा तों उपरे मेरे खुदावन लौट धन्यवाद करदे सारी महिमा तुहानू दे जिन्नी अंधकार दीआं शक्तियां प्रभु जी जो वचन चराउंदियां फोकस चराउंदियां प्रभु मत्ती 18:18 च बज जाण परमेश्वर मिनिस्ट्री नूं तुहाडे जलाली हत्थां विच दे ने जिन्ने भी प्रभु इस चर्च दे विच सेवादार ने अलग अलग तरह की ड्यूटी कर रहे सब सुपर ब्लेस्ड कर रहे बहुत सारिया रूहों को बचाते हैं वसीला बन जाए प्रभु जी माध्यम बन जाए यीशु तेरे नाम के प्रभु यीशु मसीह तुहाडा धन्यवाद कर रहे प्रभु जी अज मीटिंग की शुरुआत प्रभु जो वचन के द्वारा हो रही अज परमेश्वर जिन्हें भी लोग इस जगह पर प्रभु सेम वापस ना जाए प्रभु हर संडे हर बुधवार प्रभु जी उन्होंने अलग अलग तरह के सरमन दिते जाते मेरे खुदावन अज तेरे बच्चे सेम ना रहन परमेश्वर धन्यवाद करदा सारी महिमा तुहानू देना थैंक यू जीसस नेम धन्यवाद करदा सारा आदर तुहानू देने प्रभु सारी महिमा तुहानू देने परमेश्वर तुहाडा धन्यवाद करदे प्रभु सारा जलाल तुहानू देने प्रभु यीशु जी तुहाडी तारीफ करदे प्रभु परमेश्वर जो अज दी शुरुआत दी सी प्रेयर और वचन पढ़न जा रहे सब नूं ब्लैस कर अज प्रभु जी इन्हां दा आउणा इक आशीष दा कारण बने हर तरह दीआं रुकावटां प्रभु यीशु तेरी सामर्थी नाम च टुट जाण ईश्वरी बुद्धि दो प्रभु ईश्वरी इंतजाम आ जाण प्रभु ईश्वरी प्लैनिंग आवे प्रभु जी असीं विश्वास करदे प्रभु जी इस जगह ते असीं सेम नहीं रहांगे तेरा वचन सानूं अलग अलग तरह दे प्लैन दिंदा प्रभु बाइबल प्रेयर और वर्शिप प्रभु गिफ्ट है चर्च दा मेरे खुदा जोर मारन की लड़ नहीं प्रभु तेरे वचन च लिखा जो मेरे हुक्मों मानदा जोर लाने की लड़ नहीं क्योंकि परमेश्वर के लोग जोर नहीं मारते सिर्फ प्रभु के हुक्मों से चलते हैं और अगवाइया के नाल वापस आते थैंक यू जीसस नेम दे नेम यीशु के नाम में आमीन 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 सब जन अपने सिरों से हाथ रख लेंगे भजन सहायता नहीं शुरू करेंगे सब जन हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद Lord, धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद थैंक यू जीसस सब अपने सिरां ते हाथ रखो असीं प्रभु का वचन पढ़ जा रहे भजन संहिता 138 जबूर जिहदा टॉपिक है हीणियां दा परमेश्वर उस सब एक आवाज विच पढ़ांगे दाऊद दा भजन आ बड़े ध्यान दे के इहनूं पढ़ना क्योंकि वेखो जीजो तुहाडे छटकारे जिहड़े बाइबल दे अंदर आ जिहड़े भैन भरा बाइबल नहीं ना पढ़ते तो जां बाइबल नूं मजाक करते हैं वो लंबे समय तो चलणगे मतलब कि लंबा जोर लगेगा उनका लंबा जोर भी लगेगा लंबी निराशा च भी रहणगे तो चर्च में भी आएंगे तो फिर सोचेंगे भी होया क्यों नहीं है बस मेन पहला प्लैन कि वह बाइबल नूं नहीं जानते क्योंकि परमेश्वर दे विच आण के तुहानूं वचन दे वर्ड ऑफ गॉड ते ध्यान देना पैना जिहड़ा बंदा वर्ड ऑफ गॉड ते ध्यान देंदा वा वह सेम नहीं रहेगा वर्ड ऑफ गॉड खुदा का वचन आ जिहड़ा बंदा बाइबल नूं फॉलो करदा ना रोज ही ईवनिंग मॉर्निंग अपनियां प्लैनिंगां ते नहीं चलदा तो समझ लो ब्लैस्ड बंदा क्योंकि बाइबल दे विच छटकारे निकलदे आ जिस तरह जबूर 34:7 नूं आपां पढ़दे बाइबल च लिखा यहावा दे इंजल ने प्रभु दे दूत ने जिहड़े यहावा दे कोलों डरदे आ लिखा उहदे चपेरे अपना डेरा लाया उहदे घर दे चपेरे डेरा डेरे का मतलब जिथे तुसी रहिंदे जी उन्हूं डेरा कहिंदे आ और बाइबल च लिखा उह छुटकारा दिंदा समझ आई बाइबल दे विच इह जो कह रहा खुदा का वचन कि साढ़े छुटकारे जिहड़े बाइबल च आ साडी बीमारी का छुटकारा बाइबल च आ साडी ब्लैसिंग का छुटकारा बाइबल च आ ते फिर बाइबल नूं इन्ना ज़्यादा प्यार करो ते वर्शिप नूं इन्ना ज़्यादा प्यार करो ते प्रेयर नूं ते रोजिआं नूं इन्ना ज़्यादा प्यार करो कि मैं कहा तुसीं हुण तुहानूं भजन की लोड़ नहीं आ हुण सिर्फ तुहानूं जिहड़े वर्ड दिते आ उन्हां उपर कम करन की लोड़ आ भजदा बंदा कदों जदों उहनूं समझ नहीं हुंदी कदी इधर ते कदी इधर वो नहीं हुण कम हैगा हुण बस
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਜੀਠੀ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅਤੇ ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਰੱਖੂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਵਿਸਤਾ ਸਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ। ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਵਾ? ਪਹਿਲਾ ਪਲੈਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਪਲੈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੀਜਾ ਪਲੈਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੌਥਾ ਪਲੈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ, ਸੱਚਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਚਨ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਰਕਰੇ ਖਾਧੇ, ਉਹ ਬੇਲ ਪੂਰੀ ਖਾਧੀ, ਲੀੜੇ ਝਾੜੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਘਰ, ਇਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਨੇੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਿੱਝ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਜ਼ਬੂਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ। ਆਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਸਮਝਦੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ। ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੁਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜ ਪਰਜਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਓ ਸੱਜਣ, ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭਜਨ ਸਹਿਤਾ 138 ਜਿੱਦਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਹੀਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਦੋ ਦਾ ਭਜਨ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੇ ਯਹਾਵਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ
तेरा धन्नवाद करनगे क्यों जो उन्होंने तेरे मुख वाकां नूं सुनिया है अते ओ यहावा दे राहां दे गीत गाउणगे यहावा दी महिमा जो वड्डी है भावें यहावा महान है तां वी ओ हीणियां नूं वेखदा है पर हंकारियां नूं दूरों जाण लैंदा है भावें मैं दुख विच चलां तू मैनूं जूंदा रखिया मेरे वैरियां दे क्रोध उत्ते तू अपना हथ वधाया अते तेरे सज्जे हथ ने मैनू बचाया यहावा मेरे कम्मां नूं पूरा करेगा हे यहावा तेरी दया सदीपक है अपने हथां दे कम्मां नूं ना त्याग सब बोले आमीन 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 तारीफ करो। हुण सुनो जिहड़ी इहदी आपां लास्ट वाली आयत पढ़ी आ उत्थे की लिखिआ आंदा हे यहावा मेरे कम्मां हे यहावा मेरे कम पूरे करेगा कि यहावा तेरी दया सदीपक है सदीपक मेरी सदा दी प्रभु दी दया मलक प्रभु दया सदीप काल मलक सदा ली करेगा एक दिन ली नहीं दो दिन ली नहीं सदा ली लिखे अपने हाथों के कामों ना त्याग हूँ वो हाथों के काम कड़े आनू उन्हें अपने हाथ नाल की किया उन्हें सानू आख्या कि साढ़े अपने हाथों के काम ना त्याग समझ आ रही पीढ़ी आवाज नहीं आनी हालेलुया की कह रहा परमेश्वर दाऊद की कह रहा आंदा प्रभु अपने हाथों के कामों त्याग त्याग का मतलब कि खुदा सानू ना छड मतलब ओहदे हत्थां दे काम आपां क्योंकि सानू प्रभु ने मिट्टी तो रचिया तो दाऊद कहिंदा प्रभु तू अपने हाथ ना मैनू बनाया तो मैनू ना त्यागी मतलब कि मैनू छड्डी ना कि कहिंदा आंदा अपने हत्थां दे कम्मां नू ना त्याग मतलब अपने बच्चियां नू अपनी प्रजा नू की कर ना छड क्योंकि हर चीज बाइबल च ही आ इहनू समझण वास्ते सानू ईश्वरी विजडम समझाई ईश्वरी बुद्धि जिन्ना चिर तुहाडे कोल पवित्र आत्मा नहीं आ तुसीं बाइबल दी एक बिंदी नूं भी समझ नहीं सकदे फिर गल उत्थे आ जांदी छुटकारा बाइबल च आ सामर्थ नहीं आ तां वी निराश आ प्रेर नहीं आ तां वी निराश आ बाइबल दी समझ नहीं आ तां वी निराश आ हुण समझ आई जिते बंदा मर्जी भज ले जद तक सामर्थ ही नहीं आ वचन दी प्लैनिंग नहीं आ ते भज्जा दौड़ा फिरेगा अज कितना जरूरी सानू सामर्थ होवे ते साडे कोल खुदा दा वचन होवे कितना जरूरी आ हालेलुया इधर देखो कितना जरूरी है मैं कह तुसी बाइबल तो बिना एक पैर भी नहीं पुट सकदे शैतान ठोक के रख देगा तुहानू इहो जी प्लान च फसा के चल जाएगा तुहानू समझ नहीं लगेगी साडे नाल बड़िया की आ बाइबल दे विच लिखा जदों प्रभु यीशु नूं परखण वास्ते आउंदे सी ना कि प्रभु दस ए जीए दा सिक्का देना जायज है कि नहीं जायज प्रभु की कहिंदा ओए कपटियो लियो मैनू मूर्त दिखाओ कि बाइबल च लिखा जो प्रभु मूर्त वे कहता कि जेड़ा केसर दा वह केसर नू दो जेड़ा प्रभु दा प्रभु नू की करो फिर विजडम अज बुद्धि तो बिना तुसीं सौंग नहीं गा सकदे तुसीं गीत गाउंदे जे पर तुहानूं इह नहीं पता भी कि आयत कित्थे लिखा गीत दा मीनिंग की आ मेन आपां मीनिंग दे वास्ते आए ना इस जगह दी किन्ने लोक मीनिंग दे वास्ते सीखण दे वास्ते आए आ यस जे तुसीं सीखोगे तो पवित्र आत्मा तैयार आ तुहानूं सिखाउण वास्ते प्रभु का आत्मा कह रहा कि इन्होंने तैयार कर तो मैं तेन एक वड्डी आशीष देवांगा तेन एक गुड न्यू गुड लुक दिती है मैं कि तू हर बंदे नू सिद्ध कर सके हर नू दस सके ऐदा नहीं ऐदा करना आ तेरी मर्जी हो आ नहीं ऐदा ही प्रभु कह रहे कि हर एक परसनल प्यार नहीं करता प्रभु ना मैं घर विच प्रभु जी कह रहे कि देखता जेडे लड़ते झगड़ते आ पर तैयार नहीं करते तीसरा आ दूसरा आखिरी समा प्रभु कह रहे कि चल रहा जिस आप जी रहे हैं नौजवान बहुत सारे डेथ दी स्पिरिट जे मर रहे ने बहुत सारे नौजवान ठीक है और आने वाला समा प्रभु जी कह रहे कि तुम खुद वेखोगे होया कि नहीं होया स्पैशल डे प्रभु कह रहे कि जो हर विटनेस डे तुहानू बुलाया जाता है स्पैशल डे अज का क्योंकि ये तुहानू स्पैशल टीचिंग स्पैशल प्लैन स्पैशल हर चीज़ आ प्रभु कह रहे कि मीटिंग नू हल्के च नहीं लेना कि लोग थोड़े तो मीटिंग ये मीटिंग प्रभु कह रहे एक ब्लैसिंग तू तो देगी पर एक जो लोग पटकरे उन्होंने सिद्ध करेगी प्रभु कह रहे हैं आखिरी
जेडे लोग प्रभु जी कह रहे कि प्रार्थना नहीं करते, ये उन्होंने आवाज है अभिषेक ली कि बाइबल से प्रेर से सीख ला। प्रभु करके मैं तेरे डैडी तो नहीं डरता। और जाने अनजाने की माफी है, किन्ने लोग सुनते हैं जाने अनजाने च बोलोगे तो वो की है, पर जेड़ा जान बुझ के बोलोगे वो कोई अभिषेक नू कह रहा खुदा कह रहा कि मैं तेरे नाल इन्ना ज्यादा प्यार करता, तू मैनू प्यार नहीं करता, तू मेरे तो वद मोबाइल नू प्यार करता, तेनू गेमां खेडनिया बहुत पसंद आ। प्रभु कह रहे कि अगला लेवल तेरा वध रहा ऑनलाइन। प्रभु कह रहे कि जिन्हें लोग सुन रहे अपनी दया अपनी प्रेयर बधाओ, जिन्हें लोग सुन रहे। लास्ट और आखिरी प्रभु कह रहे कि जिन्हें भी टीम के बच्चे आ, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, सारिया के नाल दया ते माफ़ी के नाल चलना। तो प्रभु कह रहे कि तुहानू कहन दी लोड़ नहीं आ। प्रभु कह रहे कंग्रेजुलेशंस, इन्हां नू बोल कि तुसी एक दूजे नू वधाई दो कि मैं जो सुनिया मैं विश्वास किया, मैं सबर करांगा, मैं अड़ा ते खड़ा रहांगा। क्यों नाला समा प्रभु करे कि तुसी खुद दसोगे जे तुसी सुनिया जे तुसी मन्निया अज तुसी किस लेवल ते पहुंच चुके जे। सब बोले आमीन। आखिरी आखिरी जो मैं बोलन जा रहा पास्टर पाल दे वास्ते सब ने प्रेयर करनी आ, और जिन्हें भी साढ़े पास्टर ने बुजुर्ग आ सब नू दुआ च याद रखना, ठीक है, क्योंकि आप एक दूजे दी दुआवां दे नाल ही चल सकते मेरे भैन भरा, नहीं तो प्रॉब्लम पक्की आ, ठीक है। जिन्नियां भी गल्लां तुहानू बोलियां गईयां वा हुण तुहानू पता नट्टण दी लोड़ नहीं आ। अनपढ़ जिहड़े कहदे ले ओह घर च मैं किन्नी वार बोल बोल के अक चुका ते थक चुका, तुसीं सुण लैंदे जे ना, तुसीं कायदा पढ़दे जे ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਓ ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਸਹਿਤਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਹਰ ਭੇਤ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆ, ਹਰ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਉਣਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਗੇਮਰ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮੰਨਣੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ 'ਚ ਘੁੱਸ ਗਏ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏਗਾ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਗੜੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਓਏ, ਘੂ ਘੂ ਹੋਣ ਡੇਗੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਮੈਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਚਟਨੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਉਹ ਇਮਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰ ਪੜੀ ਜਾਓਗੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਇਕੱਲਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਗਮਲੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਦੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹ ਖੋਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਐਂ ਖੋਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਮਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਐਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜੜ ਫੜਦਾ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਲਿਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਰਮਾਨ ਨਾ ਘਰ ਸੁੱਤਾ, ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਐਤਵਾਰ, ਉਹ ਫੇਲ ਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਾਂਟਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਈਵਨਿੰਗ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨੇਚਾਹੀਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੂ, ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ।
क्योंकि बाइबल च लिखा शरीर जिहड़ा आत्मा दे विरुद्ध आ ते आत्मा शरीर दे विरुद्ध की करदा लोचदा ये दोवें एक दूजे दे की आ समझ आई कि नहीं आई शरीर ने कहना हासा मजाक कर लुचपन कर गंद मंद कर वो शरीर आ पर आत्मा कड़ी गल्लां नाल खुश आ समझ आ रही कि नहीं आ रही जे शरीर दी मन्नोगे तो फिर पक्का ही मरना तो जे आत्मा में आण के शरीर दी नहीं मन्नोगे तो प्रभु लौंग लाइफ देगा लौंग ब्लैसिंग देगा लौंग किडनियां लौंग हार्ट लौंग तुहाडे हर पार्ट जिहड़े लंबे समय से चलणगे जिन्नी चिर तुसीं जिउंदे रहोगे आमी कोई डिसाइज कोई तुहानूं चेंज नहीं करना पएगा कोई डिसीज नहीं होएगा अज मेरे भैन भरा वेखो तुसीं तुहानूं सीरीयस होना पैना मेरा काम है दसना इतने सिखाने की कमी नहीं मेरा लॉर्ड मैं जानता कि मेरा बच्चा जिनी मेहनत करता जिनी कपाई करता वह मैं जानता वह मैं जानता वा उन्होंने दस मैं तुम्हें भी कहने की लड़ नहीं है मैं खपता क्यों वा कि भैन भरा कोई कितने शैतान के शिकार ना बन जाए तो शिकार कदों बनना जो ना प्रेयर की ना बाइबल पढ़ी ना चर्च आए मन आई की तुने आराम ना हौली जी की कर लेना कड़च कभी बिल्ली ने वेख्या चूहा फट दिया कभी बिल्ली चूहे फटती वेख्या ऐदा शैल होंगी ऐदा भी बन निकल बाहर निकल कड़प मार दी ऐदा फट दी ऐदा शैतान साढ़े मगर जी ताड़ी और मेरी जेड़ा तो बंदा सुता ना भी कोई नहीं चल जाएंगे तो समझ लो उन्हें पक्का काबू होना जी कूच ते ही बच्ची लिखा तुसी यहावा अपने प्रभु की बंदगी करनी उन्हें तो क्या भुलो ही ना तो जेड़े उन्हें एक दिन करते तो छे दिन नहीं करते वो फिर कि बाइबल पढ़न दे उन्होंने कोई वक्री बाइबल होनी है मेरे भैन भरा वेखो बल्लां तो टेंपू भर के आता पर साढ़े नागा वाले भैन भरा आते नहीं है चार लोग चार या पांच लोग जो नागा च रात की मीटिंग होंगे पंद्रह भी लोग जो बल्लां तो रोज़ आटो लैके आते की गल उन्होंने डर नहीं लगता पर वो वेखियो तुसी उन्होंने साल बाद वे लियो कितने चल गए तो जेडे नहीं आए तो उन्होंने भी उन्होंने भी वे लियो कितने चल गए क्योंकि परमेश्वर कहता भी पक्षपात नहीं जो करता तो ना पक्षपात च हैगा जी समझ आई इफ़सियां की किताब जो छे अध्याय पढ़ते ना बाइबल चल गया प्रभु की दरगाह के कहता भी पक्षपात भावें पास्टर आते भावें कलीसिया भावें वलंटियर आ भावें कवैर आ जो ड्यूटी सही नहीं कर रहा खुदा का कभी भी पक्ष नहीं करेगा मेरे मुंडे का पक्ष होया आई आवाज कि नहीं कि तू मैनू प्यार नहीं करता सच्चाई है मैं अपने बच्चे नूं डांटदा रहना बाइबल पढ़ो ए प्रेयर करो ए वो वेखो रब तुहानूं कित्थे लै के आ गया वो चेता करो पुराने दिनों नूं वेखो ये कित्थे जे पर उन्हां दे तित्तर ते समझ ही नहीं लगती कोई कर लाँगे डैडी करन दिया डैडी तो अपने लिए कर लिया मेरे लिए थोड़ी करता हर बंदे का काम है गलातिया की किताब च की लिखा आंदा हरेक ने आपो अपना भार की करना है थोड़ा म्यूजिक घटाओ हरेक ने आपो अपना भार की है मां ने धी का लेखा नहीं जे देना घर वाली ने घर वाले का लेखा नहीं जे देना सारे नू आपो अपना भार की है समझ आई मैं तुहानू तां कहना तुहाडा काम है कही जाना ढीठ बन के कही जाओ हुण जिहड़ा ते अपनी जिंदगी लई सीरीयस आ उहने जाणा मन ते जिहड़ा नहीं सीरीयस ते फिर ओह इक परिवार घट जू साडा होर की होएगा इहदों वध की होएगा हालेलुया इस करके मेरे भैन भरा वेखो मैं तुहाडे बुधवार की मीटिंग अटेंड करनी करनी संडे च भी समय सिर आउणा तुहानू पता ले हैंड प्रेयर हुंदी आ ऑयल लगना मैं कईआं दे हाथ ही नहीं रखदा क्योंकि टाइम ही इन्ने वज जांदे हुण मैं गाड़ी की करां क्योंकि भैन भरावां दा पक्का टीटा जिहड़ा हैगा वा दो बारह बजे तों पहलों नहीं आउणा अपना सारा काम सामभ के करके फिर समय से रहो समय की आशीष लो आ सारी तैयारी ये आप करते पूरा परिवार दो चार भैन आ जड़ियाँ ना मिल के आज दरकार आकर उठते नहीं निकलते नहीं क्योंकि आलसी है तो आलसियां का रब नहीं जाएगा आलसी की गवाही नहीं कभी बनती समझ आ रही उद्यमी और आलसी दे विच यही प्लैन आ हालेलुया इस करके अपने हर रोल नूं सही करना जे तुसीं अपने ढंग ना चलन दे रहे तो फिर तुसीं फस जाना जे बड़े आराम नाल आ बीबी दी बाइबल चुक के साइड ते ला दो दर्शना दी की नाए दा शीरो दी शीरो लगदी पेके चल गई है लगन दे दंडिया लै हुण साडा वी हालेलुया पेके दिन चल गई भैण शुरुआत प्रेयर करांगे संत पाल जी
खुदा दे दास बड़े आदर दे योग ने, खुदा दे दास क्योंकि बाइबल च लिखा दास जेडे अत आदर दे योग आ, और ये साडे बुजुर्ग आ। हाँ जी, आज और बाइबल दे विच वेखो डिसाइपल, प्रभु करके डिसाइपल तैयार करो, चेले तैयार करो चर्च दे अंदर, जिन्हां नूं ड्यूटी दो वो अपनी ड्यूटियां करन। नौजवान प्रभु करके वधाओ, नौजवानां दी लोड़ आ। आमीन। और सब जन अपने काम आपां सारे प्रार्थना चलिए, जो साडे दिलां दी मंगां प्रभु करी रखीए, प्रभु साडे मंग तो पहलो जानदा। सारे प्रार्थना चलिए। Hallelujah, 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 hallelujah. Pray the Lord, Satanavad, Sorgi Pitati Ratanavad, Sorgi Pitati Ratanavad, to Tiagla Babia, Kerapagala Babia, the Dialu to Kerapalusa, the Provisor, Baji Sorgitraso Gasonia, Tati Tade Paranjonki, Bab, Tade Putrajana Dasa, Bachasa, Gabrabo, Sade Ekit the Seneca Vulgaro. ਅਕਲ ਬੋਧਾ ਘਟ ਅਕਲ ਬੋਧਾ ਪਰਸੋ ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਸ਼ਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੱਦਣਾ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਵਾਦ ਸੇਵਾ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇਰਾ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਉਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਾਂ ਦੁਖੀ ਕੁਮਾਰ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਸ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਖੁਦਾਉਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਾਗਰੋ ਪਰੋ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇਣਾ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਾਂ ਬੱਚਾ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਸਭ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah, hallelujah.